हेमाकेडमी पब्लिक स्कूल हमीरपुर की ओर से विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्कूल के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी और संदेश दिया कि नशे का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। कार्यक्रम के दौरान DSP रेणु शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हिमा अकेडमी पब्लिक स्कूल हमीरपुर की ओर से विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्कूल के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी और संदेश दिया कि नशे का सेवन। कार्यक्रम के दौरान DSP रेणु शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि DSP रेणु शर्मा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधक पंकज लखनपाल के अलावा रोटरी क्लब के सदस्य भी मौजूद रहे। हिमाकेडमी पब्लिक स्कूल की ओर से शाम के समय किए गए नुक्कड़ नाटक को देखने के लिए काफी लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस अवसर पर छात्रों ने बड़ी ही खूबसूरती से नशे के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस अवसर पर छात्रों ने बताया कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए लोगों को आगे आने की जरूरत है और जागरूकता के अभाव में लोग नशे के आदि बनते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि तंबाकू सेहत के लिए घातक है और इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्यग्रह ठाकुर, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट एंड आई रेड इन हिमाकेडमी पब्लिक स्कूल। मोर ओवर टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द एंटी टोबाको डे एंड वी आर गिविंग द मैसेज दैट वी शुड नॉट यूज द टोबाको एंड इट इज वेरी इंजरियस टू आवर हेल्थ एज वेल एज इट विल डिस्ट्रॉय आवर लाइफ टोटली। आई एम फ्रॉम प्लस टू बी। द मेन पर्पस फॉर दिस इवेंट इज बेसिकली दैट वी वांट टू गिव अ वेरी पर्टिकुलर मैसेज that tobacco is not good for health. All of the children which has been misguided by their friends, by their colleagues, should get aware of this, that tobacco is very injurious to health. We are basically giving this message that they should not indulge in any of these activities and they should shine like a star and not become a liability on their country. My name is Simran Thakur. I am from Hemakademy Public School, Hiranagar, Hamirpur. I study in plus 1A class, so we are here for the celebration of Anti-Tobacco Day, which is celebrated every year on 31st of May. So we are here just to make us all aware that tobacco is very injurious for our health. Our youth at today's age, they are very excited or they very show off that they are taking drugs. They take it as that it is a kind of, you know, they are doing heroism, they are shining like a star when they are taking drugs. So it is totally wrong. They are taking drugs because of their family problems, study problems, depression, and they are also encouraged by their colleagues to take drugs as they are just doing experiments. So we are here to tell you all that to cover all these problems, we have every supplement option, that yoga, mental yoga, etc. So we are here to make you all aware that tobacco is very, very, very injurious to your health. So please. Thank you.